फैक्ट्स जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा उसके अंदर हमने पढ़ा था जुलिस के बारे में एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वो लेक्चर फर्स्ट था अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक अवेलेबल है जिससे आप एसेस कर सकते हैं फर्स्ट लेक्चर नाउ द सेकेंड लेक्चर इज दिन ऑफ द फर्स्ट लेक्चर हमने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट लाइन एंड करी थी वो थी प्रोसीजरल लॉ सिविल एंड क्रिमिनल जो ये हेडलाइन थी यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द

लॉ डिक्शनरी है ब्लैक लॉ डिक्शनरी वो कहता है कि स्टेट्यूट इज अ फॉर्मल रिटर्न इनैक्टमेंट ऑफ अ लेजिस्लेट अथॉरिटी दैट गवर्न अ कंट्री स्टेट और सिटी दिस इज वॉट वी कॉल द स्टेट्यूट और जो ये स्टैट्यूट है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म स्टेट्यूट इन स्टीड इट यूज द टर्म लॉ दिस इज वॉट क्लियर मीनिंग ऑफ दिस स्मॉल वर्ड स्टैट्यूट द सिविल एंड द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड

ये इंपॉर्टेंट बात है इसको नोटेड डाउन करना चाहिए इन सच सिचुएशन सिटीजन कैन अप्रोच दिस कोर्ट इवन थ्रू अ लेटर सेंट बाय अ पोस्ट एज द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर दैट प्रोसीजर्स शुड नॉट बी अलाउड टू कम इन द वे ऑफ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस तो ये पहला जो पैराग्राफ है काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं पहली चीज प्रोसीडिंग्स जो होती है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में वो कैसे गवर्न होती है तो वो गवर्न होती है रूल्स ऑफ प्रोसीजर मेड बाय द कोर्ट्स सेल्वस अंडर पावर्स गिवन बाय स्टेट्यूट ठीक है स्टेट्यूट हमने जाना इज एन इज नॉट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्यूट एक लॉ है दैट्स इट इसके बाद आता है इसमें क्या क्या अप्लाई होता है इसमें सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर एंड एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है जुडिशल प्रोसीडिंग्स में और कोर्ट में भी और इसके अंदर रिट पटिशन जो आती है अंडर आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर और 226 के अंदर हाई कोर्ट जो करता है वो एक यूनिक है इस कोर्ट्स का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही इशू कर सकते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और लोअर जुडी जो कोर्ट होते हैं वो इशू नहीं करते रिट्स और तीसरी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है रिट्स हमें किसके अगेंस्ट मिला हुआ है स्टेट और इट्स एजेंसीज के अगेंस्ट हमें रेमेडी मिली हुई है और अपने फंडामेंटल राइट्स की रेमेडीज़ को लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो प्रोसीज़र है वो जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है मतलब जस्टिस डिलीवरी का जो मेथड है उसके बीच में प्रोसीजर नहीं आ सकता अगर आप एक सिंपल लेटर भी लिख के सुप्रीम कोर्ट को देंगे देन सुप्रीम कोर्ट कैन टेक अ कॉग्नीजेंस एंड प्रोसीड फर्दर टू प्रोवाइड द रेमेडीज दैट्स इट तो ये पहला पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये सारी चीज़ें हमें नोटेड डाउन करनी चाहिए नेक्स्ट for the enforcement of civil rights and obligations a suit before a civil court is usually instituted the procedures for trial and appeal inclu including execution of decrees orders are laid down in the code of civil procedure variationism for purposes of jurisdiction is made according to the suits valuation act the amount of court fees to be paid on

तो पहली बात यह है इसके अंदर अगर सिविल कोर्ट के अंदर जा रहे हैं तो उनमें इन्फोर्समेंट क्या होता है सिविल कोर्ट में सिविल राइट्स होगा एंड इट्स ऑब्लिगेशंस तो वो सूट होगा सिविल कोर्ट में इसके बाद आता है प्रोसीजर्स फॉर ट्रायल ट्रायल का प्रोसीजर क्या है अपील्स का क्या है इन डेक्री डी एंड ऑर्डर्स आर लेड डाउन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर तो उनका एक ट्रायल है अपील का प्रोसेस है उसको कहते हैं वेरिएशनलिज्म फॉर पर्पज ऑफ जोरिस्डिक्शन मेड अकॉर्डिंग टू द सूट्स वैल्यूएशन एक्ट तो इसका भी एक एक्ट है जिसको कहते हैं सूट्स वैल्यूएशन एक्ट जिसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं ट्रायल्स एंड अपील्स के किसके अकॉर्डिंग सूट वैल्यूएशन एक्ट के थ्रू उसके बाद अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस जो भी हम पे करते हैं प्लेन एंड अपील्स ये कौन डिटरमाइन करता है ये भी डिटरमाइन किया गया है कोर्ट फीस एक्ट के थ्रू ये कोई रैंडम फीस नहीं होता ये एक ऑलरेडी डिटरमाइंड फीस है जिसको एक एक्ट के थ्रू किया गया है कोर्ट फीस एक्ट अब एक क्वेश्चन और आता है जो थ्री फोर्थ पॉइंट है कि सूट्स फाइल करने का टाइम पीरियड क्या होगा उसकी भी एक लिमिटेशन्स है उसका भी एक एक्ट है जो प्रिस्क्राइब करता है कि लिमिटेशंस है सूट्स इस टाइम पीरियड तक ही फाइल किए जा सकते हैं इससे पुराने सूट्स होंगे तो वो फ़ाइल नहीं किए जा सकते So this is the crux of this passage. Next is the the trial is in the nature of adversary proceedings where two parties oppose each other in a suit or action between parties. The procedure commences pleading with set out the prices, precise question in dispute or the cause of action. The opposite party, the defendant, may file a written statement to admit or deny the allegations. इन द्लेंट द प्लीडिंग मे बी सप्लीमेंटेड बाय द पार्टीज बाय मेकिंग एडमिशन ऑफ फैक्ट्स आंसर्स एंड इंटेरोगेटरीज ओवरल स्टेटमेंट्स बिफोर द कोर्ट एंड बाई एडमिशन्स एंड डिनाइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाई देम तो इस पैसेज का मतलब क्या हुआ सबसे पहले प्रोसीजर में आता है प्लीडिंग जो प्लीडिंग करते हैं सबसे पहले तो ये प्रोसेस कम्वेंस होता है स्टार्ट होता है कैसे प्लीडिंग से उसके बाद आता है प्रिसाइस क्वेश्चन इन डिस्प्यूट कॉज ऑफ एक्शन प्लीडिंग के बाद आता है कॉज ऑफ एक्शन कॉज ऑफ एक्शन के बाद आता है अपोजिट पार्टी जिसको हम कहते हैं डिफेंडेंट डिफेंडेंट होती है अपोजिट पार्टी वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करती है चाहे वो उसको जो एक्शन होता है डिस्प्यूट का उसको एडमिट करे या डिनाई करे एलिगेशंस को इसमें प्लेडिंग जो है प्लीडिंग मे बी सप्लीमेंटेड बाय द पार्टीज बाय मेकिंग एडमिशंस ऑफ फैक्ट तो ये दोबारा सब्सिक्वेंट एक प्लीडिंग एड ऑन किया जा सकता है अगर आपके पास फैक्ट्स और कुछ चीज़ें नहीं आ गई हो इंटर इंटेरोगेशन्स के दौरान या फिर ओरल स्टेटमेंट्स बिफोर द कोर्ट होता है तो उसको फिर प्रोसेस करते हैं तो ये चार प्रोसेस हैं स्टेज बाई स्टेज ये हमें पता होने चाहिए ये बेसिक है कि पहले प्लीड प्लीडिंग होगी उसके बाद क्वेश्चनस होंगे डिस्प्यूट के एंड देन जो डिफेंडेंट पार्टी होगी वो उसको एडमिट करेगी या डिनाई करेगी थर्ड स्टेज में एंड फोर्थ स्टेज होगा सप्लीमेंट प्लेडिंग होगी तो दिस फोर स्टेज इसका फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं नेक्स्ट हो गया द हियरिंग ऑफ अ सूट कमेंस विद सर्विंग ऑफ अ कॉपी ऑफ अ प्लेन टू द डिफेंडेंट अ पार्टी कैन अपीयर हिमसेल्फ इन कोर्ट फॉर द हियरिंग और मेक अपेयरेंस थ्रू एन एजेंट और अ प्लेडर According to Advocates Act, rights to practice law before courts in given to advocates only. In the proceedings, parties have to summon their witnesses for deposing in court. The trial involves recording of evidence of witness on a day-to-day -day basis at the conclusion of which judgment is to be pronounced in open court. So a basic cheese. Because civil proceedings are private matters, they can एट एनी टाइम बी अबेंडनड और कॉम्प्रोमाइज एंड इन फैक्ट इन अ नंबर ऑफ केसेज़ दे आर सेटल्ड बिफोर ट्रायल तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो क्या होते हैं प्राइवेट मैटर्स होते हैं वो किसी भी टाइम पे बंद किए जा सकते हैं और सेटलमेंट कहते हैं जिसे आपस में कर लिया किसी पार्टीज ने बिफोर ट्रायल कोर्ट वो भी एक्सेप्टेबल होता है क्योंकि इट्स अ सिविल प्रोसीडिंग यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए हैं एक है प्लीडिंग प्लीडिंग का मतलब क्या होता है अपील और इन मतलब कहीं अपील करना कोर्ट में उसको so कहते हैं प्लीडिंग उसके बाद आया प्लेंट प्लेंट व्हाट डू मीन बाय प्लेंट तो जो ये प्लेंट लिखा हुआ है ये प्लेंट का मतलब होता है इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द कंटेंट ऑफ एनी सिविल सूट विच शोज द प्लेंटिव क्लेम आफ्टर फिलिंग सूट अब इसमें एक नया वर्ड आ गया प्लेट के अंदर ही प्लेंटिव क्या होता है प्लेंट समझ में आया एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया कि आपने कोई कंप्लेन लिखी है उसका जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो हो गया प्लेंट अब प्लेट के अंदर जो लीगल डॉक्यूमेंट लिखवाता है उसको कहते हैं प्लेंटिफ तो प्लेंटिफ का मतलब क्या हुआ प्लेंटिफ का मतलब होता है अ पर्सन हु ब्रिंग्स अ केस अगेंस्ट अनदर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ तो जो केस फाइल कर रहा है दूसरे के अगेंस्ट वो हो गया जो फाइल कर रहा है वो हो गया प्लेंटिफ दूसरा वाला हो गया डिफेंडेंट और जो लेटर लिखता है प्लेंटिफ उसको कहते हैं प्लेंट दैट्स इट और कोर्ट में सबसे पहले क्या होती है प्लीडिंग तो ये बेसिक वर्ड्स टर्मोलॉजी हैं लॉज की जो हमें पता होनी चाहिए नाउ नेक्स्ट जजमेंट्स आर इन्फोर्सिबल थ्रू द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट रिफ्यूजल टू ओबे अ जजमेंट मे लीड टू पैनल कॉन्सिक्वेंसिस में डिक्री डिक्राई आर ओपन टू अपील इन हायर कोर्ट्स विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड तो यहाँ पर एक लाइन है मैनी डिक्रीज डेक्रीज आर ओपन टू अपील इन हायर कोर्ट सो वॉट डू यू मीन बाई द डेक्रीज डेक्री इज अ लीगली बाइंडिंग कमांड और अ डिसीजन एंटर्ड ऑन द कोर्ट रिकॉर्ड के अंदर जो भी लीगली बाइंडिंग डिसीजन होता है उसको कहते हैं डेक्रीज तो so, ये चार पाँच वर्ड्स आ गए हमारे पास प्लेन्ड प्लेंटिफ क्लीडिंग और फिर ये डिक्री है ना डिक्री क्या हो गया ऑफिशियल ऑर्डर गिवन बाय अ गवर्नमेंट अ रूलर समझ लीजिए रूल बुक हो गई शासक का रूल हो गया उसको तो कहते हैं डिक्री ओके प्लेंटिव समझ गए आप जो कंप्लेन फाइल करता है और डिफेंडेंट हो गया जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन फाइल हुआ है वो अपने को डिफेंड करेगा प्लीडिंग क्या होता है कोर्ट में फर्स्ट टाइम जो इनिशियटन प्रोसेस होता है केस फाइल करने का सिविल सूर्स में उसको तो कहते हैं प्लीडिंग ओके सो ये कुछ वर्ड है इसको आप लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और याद करना पड़ेगा लेकिन ये Next, Ogya. Criminal proceedings are governed by the provisions of the Code of Criminal Procedure, the purpose of which is to determine whether the accused is guilty of the offense charged, and if so, to decide the punishment to be awarded. Therefore, it is designed to give every accused a fair trial, consistent with the constitutional commitment to individual liberty and freedom. काफ़ी बेसिक लाइन है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स गवर्न होती हैं किससे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से है ना एंड uh, सबको एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी एंड फ्रीडम नेक्स्ट हो गया क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्व फोर मेजर स्टेजेस नेमली इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन ट्रायल एंड डिस्पोजिशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस को आप नोटेड डाउन कर लीजिए अपने फ्लो चार्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर चार स्टेजेस होते हैं सिविल सूट्स के भी स्टेज समझ लिया आपने प्लीडिंग देन हो गया डिफेंडेंट का रिप्लाई हो गया एक्सेप्टेबल हो गया देन सप्लीमेंट्री प्लीडिंग होता था ऐसे ही अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बारे में बता रहे हैं चार स्टेजेस हैं पहला स्टेज हो गया इन्वेस्टिगेशन दूसरा हो गया प्रोसिक्यूशन तीसरा हो गया ट्रायल एंड चौथा हो गया डिस्पोजिशन क्राइम्स बींग रोंग्स अगेंस्ट सोसाइटी इसको कहते हैं क्रिमिनल द स्टेट अंडरटेक्स द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम द पुलिस ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस प्रोसीड्स विद द इन्वेस्टिगेशन दे आर ऑथराइज टू इंटेरोगेट पीपल अरेस्ट एंड द सस्पेक्ट्स विद वॉरेंट फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन नॉन कॉग्निजिबल केसेस सर्च प्लेसिस फॉर रिकवरी ऑफ रिलेवेंट मटेरियल सीज प्रॉपर्टी कनेक्टेड विद द क्राइम एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन देअर फाइंडिंग्स फॉर नेसेसरी एक्शन बाय द प्रोसिक्यूटिंग ऑथोरिटीज समझ में नहीं आया होगा आई एक्सप्लेन इट इन माई लैंग्वेज लेटर ऑन जस्ट कंप्लीट द पैसेज वेन एवर अरेस्ट आर मेड दे आर ऑबलाइज टू प्रोड्यूज द अरेस्टेड पर्सन बिफोर द नियरस्ट मजिस्ट्रेट विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स they are not to use third degree method third degree method used in interrogation and confession given to police is not admissible as evidence in court in all bailable cases they are bound to release the person on bail the arrested person has right to seek the aid of a lawyer of his choice and he cannot be compelled to give evidence against himself सो so, इस पैसेज के अंदर जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स था चार स्टेज तो हमने डिस्कस कर लिया इसके बाद एक आया था पहला स्टेज था इन्वेस्टिगेशन तो समझते हैं छानबीन करना दूसरा स्टेज था प्रोसिक्यूशन डू यू मीन बाय द प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन का सिंपल मीनिंग हो गया द प्रोसेस ऑफ ऑफिशियली चार्जिंग सम बॉडी विद द क्राइम एंड ऑफ ट्राइंग टू शो दैट ही शी इज गिल्टी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ तो पहले इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस उसके बाद प्रोसिक्यूशन होता है मतलब वो चार्ज फाइल करते हैं उस जो ऑफिशियल होते हैं वो जो भी विक्टिम uh, होता है ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम के हिसाब से जो विक्टिम क्या हो गया जिसको परेशानी हुई है उसके बिहाफ़ पर पुलिस ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स प्रोसिक्यूशन करते हैं यानी कि अपने चार्ज फाइल करते हैं उस पर्सन के ख़िलाफ़ ये पर्सन ने रोंग किया है छोटी सी लाइन में अगर बोलना चाहें तो अदालत में किसी के विरुद्ध जो भी अपराध हुआ है उसके लिए एक चार्जशीट बनाना है ना उसको कहते हैं प्रोसिक्यूशन उसके बाद आता है ट्रायल एंड डिस्पोजिशन ट्रायल हो गया जो कोर्ट में ट्रायल चल रहा है डिस्पोजिशन हो गया जो जजमेंट होगी उसका हो गया उसके बाद जो नेक्स्ट पैसेज आया था हमारा तो जो पुलिस है जब उसको के पास अथॉरिटी आती है कि वो इंटेरोगेट करें पीपल को उसको पूछें अरेस्ट द सस्पेक्ट जो भी सस्पेक्ट होता है जिसने गलत किया है और जो विक्टिम बोलता है कि ये सस्पेक्ट है इसने मेरे साथ कुछ गलत किया है तो विक्टिम के बिहाफ पे उससे इंटेरोगेसन करते हैं सस्पेक्ट से फिर उसको अरेस्ट किया जाता है सस्पेक्ट को हम तो हम जानते हैं थर्ड डिग्री यूज़ नहीं कर सकते हैं ये भी हम जानते हैं तो दिस इज़ वॉट इज रिटर्न इन दिस पैसेज हमें दोबारा रीड करना पड़ेगा अच्छे से एंड नेक्स्ट हो गया अंडर अवर लॉ एवरी एक्यूज इज़ प्रिज्यूम्ड इनोसेंट तो so, ये लाइन आपको हमेशा याद करनी है हमेशा यूज़ करनी है अंडर अवर लॉ एवरी एक्यूज इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट एंड द प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव द गिल्ट बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट तो जो प्रोसिक्यूशन करता है ऑफिशियल यानी किसी के अगेंस्ट में जो क्राइम्स प्रूव करता है प्रोसिक्यूशन ऑफिसर तो ये ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि उस गिल्ट को प्रूव किया जाए और जब तक वो प्रूव नहीं होगा तब तक जो हमारा एक्यूज पर्सन है वो इनोसेंट माना जाता है एंड बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट इफ देयर इज एनी डाउट इन द एविडेंस और द प्रोसिक्यूशन द बेनिफिट ऑफ डाउट इज given टू द एक्यूज एंड ही इज acquitted अगर कोई डाउट है कोई डाउट है कि ये मतलब क्लियर कट नहीं हो रहा तो जो हमारा एक्यूज है अपराधी है उसको छोड़ दिया जाता है एक्विट किया जाता है बली कर दिया जाता है द डिफेंडेंट हैज द राइट टू क्रॉस एग्जामाइन एवरी प्रोसिक्यूशन विटनेस वाइल ही कैन नॉट हिमसेल्फ बी क्वेश्चन अनलेस ही कंसेंट्स टू बी सोन एज अ विटनेस इन हीज ओन डिफेंस मतलब क्या हुआ जो हमारा डिफेंडेंट है मतलब जो अपने आप को बचा रहा है वो चाहे तो आपके एविडेंस जो होते हैं उनको क्रॉस एग्जाम कर सकता है और आप उसको नहीं पूछ सकते कि यार तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो जब तक वो अपना कंसेंट ना दे आपको कि हाँ चलिए ठीक है मैं भी विटनेस बनना चाहता हूँ और मैं गवाही देना चाहता हूँ तब आप उसको क्रॉस एग्ज़ाम कर सकते हैं डिफेंडेंट को अदरवाइज डिफेंडेंट के पास राइट्स है कि वो आपके सारे जितने भी गवाह वाले आप वहाँ पर पे विटनेस पेश करेंगे उन सबको क्रॉस एग्ज़ाम कर सकता है ठीक है एंड इन द केस ऑफ इंडाइजेंट पर्सन there is provisions for legal aid at the state expense indigent person means they are not able to seek the justice just like uh, economically or they are poor they are, there are some criteria that they are uh, annual income is below 2 lakh rupees they are entitled for a free legal advice under article 39a so this is all about and uh, next ogia if एट द एंड ऑफ ट्रायल द जजिस फाइंड हिम गिल्टी ही हैज़ अ राइट टू बी हियर्ड ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटेंस द इम्फेसिज इन मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस बींग री फॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन देयर इज इनफ स्कोप फॉर अ डिजर्विंग कन्विक्टू गेट करेक्शनल ट्रीटमेंट एज पार्ट ऑफ सेंटेंस तो अगर आपके पास ट्रायल हुआ आपके एंड में और जज ने बोला कि आप गिल्टी हैं तो भी आपके पास राइट है कि आपको सुना जाए This is what the line talks about. Next, okay. apart from a civil and criminal proceedings prescribed in the respective courts, there are a variety of adjudicative procedures followed in tribunal, quasi-judicial administrative agencies, arbitration councils, NIAI Panchayas, ETC, where private disputes are processed and settled through informal procedures. They are found to be cheap, expeditious and less cumbersome. इन टर्म्स ऑफ एडजुडिकेशन इस पूरे पैसेज में काफ़ी ज़्यादा लीगल टर्म्स आ गए हैं जस्ट लाइक एडजुडिकेटिव प्रोसीजर वॉट डू मीन बाय एडजुडिकेटिव प्रोसीजर सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं द प्रोसेस बाय विच अ कोर्ट जज रिजोल्व इशूज बिटवीन टू पार्टीज इस प्रोसेस को कहते हैं एडजुडिकेटिव प्रोसीजर्स दूसरे वर्ड्स आए हैं ट्रिब्यूनल्स क्वासी जुडिशल एडमिनिस्ट्रेटिव ये सारे हमने पॉलिटी के अंदर पढ़ रखा है आर्बिट्रेशन काउंसिल्स ये सब हो गए एंड उसके बाद एक चीज़ और आई थी इसके अंदर एक्सपीडियस एंड लेस कम्बोर्सम इन टर्म्स ऑफ एजुडिकेशन सो वट डू मीन बाय लेस कम्बोर्सम तो ये जो लेस कम्बोर्सम का मतलब है कि ज़्यादा भारी नहीं है ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ता इन टर्म्स ऑफ एजुडिकेशन क्या नहीं भारी पड़ता जैसे लाइक अगर आप सीधा हाई कोर्ट में जा रहे हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है और काफ़ी हैवी हो जाता है काफ़ी स्लो चलता है प्रोसेस जल्दी आना मुश्किल हो सकता है बट जल्दी रिजोल्यूशन हो सकता है इसलिए कई सारे आ, प्रोसीडिंग्स को प्रस्क्राइब किया गया है एडजुडिकेटिव प्रोसेस बनाए गए हैं जिसके अंदर ट्रिब्यूनल्स आते हैं क्वासी जुडिशल आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज न्याय पंचायत इनके अंदर क्या होता है कि फ़ीस भी कम लगेगी एक्सपीडिशन जो है आपका वो खर्चा कम लगेगा एक्सपीडियस मतलब बहुत जल्दी जल्दी, जल्दी चीज़ें होंगी कम टाइम में हो जाएगा और ये भारी भरकम बोझ भी नहीं लगेगा आपके ऊपर और आपको जजमेंट्स मिल जाएंगी इसको कहते हैं लेस कम्बोर्सव इन टर्म्स ऑफ एजुडिकेशन तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ना ये एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं आंसर राइटिंग के अंदर तो नो डाउट यू विल गेट एक्सलेंट मार्क्स है ना तो जो ये अदर एजुडिकेटिव प्रोसीजर्स हैं इनकी बेनिफिट क्या है तो उसके अंदर एक ही लाइन लिख सकते हैं हम दे आर फाउंड टू बी चीप एक्सपीडियस एंड लेस कम्बोर्सम इन टर्म्स ऑफ एजुडिकेशन दैट्स इट next Ogya. legal aid has now assumed an important place in judicial procedure in country right to counsel counsel by a lawyer of one's choice is a constitutional right every citizen possess in the case of poor person the criminal procedure code provides for the appointment of a counsel at a state expense to defend the indigent accused in all major criminal cases in civil proceedings, a poor person can declare himself to be a pauper. Pauper, in which case, he is exempted from co fees, co fees, court fees, and a variety of related court expenses. Legal aid schemes set up in a state also provide such persons with the services of lawyers to conduct litigation on their behalf. Easy language, thi, I think, guess. Kar और इसके जो कुछ वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जस्ट लाइक इसके अंदर पहला वर्ड जो हमने यूज़ किया है ये है इंडिजेंट एक्यूज इंडिजेंट का मतलब क्या होता है सिंपली पुअर नीडी है ना द पर्सन हु नीड समथिंग और पुअर उसको एक वर्ड यूज़ करते हैं हम इंडिजेंट ये इंडिजेंट यूज़ करना चाहिए आपको ये वर्ड काफ़ी अच्छा है पुअर या फिर नीडी लिखने से क्या होता है कि बाइसनेस लगती है थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है तो उसके जगह हम ये साइनोनीम होता है इंडिजेंट जिसके पास अभाव हो किसी चीज़ की उसको तो कहते हैं इंडिजेंट तो ये इंडिजेंट लिखना ज़रूरी है इंडिजेंट एक्यूज ये वर्ड याद कर लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा उसके बाद आता है जो इंडिजेंट होता है उसके अंदर क्रिमिनल के अंदर और सिविल प्रोसीडिंग्स के अंदर पुअर पर्सन अपने आप को क्या डिक्लेयर करते हैं पाउपर तो पाउपर जो है इसका क्या मतलब है इसको भी ये कहते हैं पॉपर को वेरी पुअर पर्सन है ना वो नीड समथिंग दे हैव अभाव हो जिसके पास ठीक है सो दिस टाइप ऑफ वर्ड्स यू हैव टू यूज पॉपर इन अ सिविल सूट्स एंड इंडिजेंट एक्यूज इन क्रिमिनल प्रोसीजर तो इंडिजेंट हो गया क्रिमिनल एंड पॉपर हो गया सिविल प्रोसीडिंग्स तो ये डिफरेंस है आप इसको फ्लो चार्ट बना के भी लिख सकते हैं काफ़ी काम आएगा नेक्स्ट हो गया लीगल एड हैज़ नाउ एज्यूम्ड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन जुडिशल प्रोसीजर इन कंट्री राइट टू काउंसल बाय अ लॉयर ऑफ वंस चॉइस ये भी हो गया है अपने खुद की चॉइस से हमको चाहिए सिटीजन प्रजेस्ट करते हैं अपनी मन पसंद अपनी पसंद से हमें लॉयर चाहिए ये सारी चीज़ें हो गई लीगल एड स्कीम सब कुछ हो गया है नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कोर्ट्स ऑफ लॉ अंडर फर्स्ट चैप्टर में ही दूसरी हेडलाइन है ये कोर्ट्स ऑफ लॉ एडमिनिस्टर्ड दे आर क्रिएटेड बाई स्टेट्स एंड एन्जॉय सच पावर्स एंड जोरिस्ट्रिक विच द स्टेट्यूट कन्फर कॉन्फेयर तो अब ये क्या कि मतलब जो भी जोरिस्ट्रिक्शंस होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की कोर्ट की एक स्टैट्यूट्स आता है जिसे कहते हैं लॉ इन द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो उनको पावर दे देता है जिससे वो अपना जुडिसिक्शन इंजॉय करते हैं उसको इंक्रीज भी किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा उसको डिक्रीज भी किया जा सकता है तो स्टैट्यूट्स हमने पहले कवर कर लिया है दैट्स वाई आई एक्सप्लेन ऑल दो वर्ड्स स्टैट्यूट्स पॉपर इंडिजेंट प्लेंटिव प्लीडर ना तो ये सारे वर्ड्स जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं अगर उनको आप लिख लेंगे और उनको डेली वे में यूज़ करेंगे तो आगे के जो पेजेस हैं वो हम जल्दी रीड कर लेंगे वी डोंट हैव टू पॉज और इट डोंट टेक दैट मच टाइम है ना सो दैट्स वाई नेक्स्ट हो गया द कॉन्स्टिट्यूशन इट्सल्फ प्रोवाइड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन ईच स्टेट एट द अपेक्स ऑफ द जुडिशल सिस्टम एंड कन्फियर्स औरल एंडेलेट जो रिज्रिक्शन ऑन दैम प्राइमरली टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट स्टेट एंड स्टेट इस्टेट एंड द सिटीजन एंड इन लिमिटेड केसेज अपील्स आर राइजिंग आउट ऑफ प्राइवेट डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग सबस्टैंडियल क्वेश्चन ऑफ लॉ तो जो अपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया वो क्या करते हैं एंड द हाई कोर्ट क्या जो रिस्डिक्शंस करते हैं पहले कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद बताता हूँ मैं आपको डिटेल में दिस हायर जुडिशरी इज नेम्ब एज अ यूनियन जुडिशरी एंड अपॉइंटमेंट्स टू इट आर मेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनियन

the high courts and supreme courts enjoy civil and criminal jurisdictions apart from the writ jurisdiction to is passage ka matlab kya hua simple si baat bol raha is passage mein ek line jo hai ye courts are institutions where disputes are adjudicated and justice administered ye ek line hai court कोई पूछे, what do you mean by court तो court क्या है? is a institutions hai where in disputes are adjudicated adjudicated का मतलब कि जजमेंट होती है फैसला दिया जाता है और जस्टिस न्याय सर्व किया जाता है ठीक है उसके बाद हो गया ये किससे बनाए गए हैं से बनाए गए हैं स्टेट्यूट, है। स्टेट्यूट क्या होते हैं लॉज होते हैं जो इनकी पावर को इन्हेंस भी करते हैं डिक्रीज भी कर सकते हैं डिपेंड्स ऑन द पार्लियामेंट उसके बाद आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोवाइड किया है हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंशन है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन ईच स्टेट ये मैंशन है हमारे ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट भी है और हाई कोर्ट भी रहेगा उसके बाद आ जाता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स इसको कहते हैं स्टेट जुडिशरी तो उनके जो राइट्स हैं वो कौन बताता है? है ना तो ये डिसाइड करते हैं हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स है ना उस उस पर्टिकुलर स्टेट का जो स्टेट हाई कोर्ट है वो डिसाइड करेगा कि मतलब लोअर जुडिशरी के पास और कितनी पावर्स होनी चाहिए और वो क्या डिस्प्यूट्स करेंगे एंड रिट्स के पावर भी होती है हाई कोर्ट के पास तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसीजर करते हैं एक डिफरेंस क्या है हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स और जो हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट है सबोर्डिनेट सबॉर्डिनेट कोर्ट के पास भी हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और अदर स्टेट लॉ को हम एडजुडिकेट कर सकते हैं हाई कोर्ट में ये तीनों चीज़ कर सकते हैं साथ में एक एक्स्ट्रा पावर होती है जिसे कहते हैं रिट जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास एक्स्ट्रा है सबोर्डिनेट कोर्ट से ठीक है दैट्स इट नेक्स्ट आ गया द स्टेट जुडिशरी अंडर द हाई कोर्ट इज ऑर्गेनाइज इन अ अरार्की ऑन अ सिविल एंड क्रिमिनल साइड्स बेस्ड ऑन देयर जुडिसडिक्शन टेरिटोरियल और मोनिट्री ऑन द क्रिमिनल साइड द क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट प्रोवाइड्स फॉर द मजिस्ट्रेट कोर्ट्स First or second class, depending on the extent of power for punishment, and above them, the sessions. Session courts, usually one in each district. On the civil side, the civil procedure court provides for the Munsif's court with limited pecuniary jurisdiction, the subdivisional court, and the district court, each with varying pecuniary and territorial jurisdiction. There can be a special courts set up for specific purposes and also administrative and revenue tribunals to adjudicate upon specific categories of dispute. Thus, there are motor vehicles, compensation tribunals, sales tax tribunals, etc., all of which are judicial bodies adjudicating disputes in the areas assigned to them. Appeals. From these court and tribunal usually lie in the high courts and in इनपे exceptional cases a second appeal to the supreme court. तो इस पैसेज के बारे में क्या हुआ एक सिंपल सी बात बता रहा है इस पूरे पैसेज में जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं और जिसे कहते हैं स्टेट जुडिशरी अंडर हाई कोर्ट उसको एक ऑर्गेनाइजेशन है एक हरारकी है ऑन सिविल एंड क्रिमिनल साइड्स दोनों साइड्स के अंदर एक हरारकी बना रखी है स्टेट जुडिशरी के अंदर ये जो फ्लो चार्ट है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा एक ट्रिक्स के साथ जिससे आप बहुत ही आसानी से इसको याद कर लेंगे और मेमोरीज के अंदर आपके अंदर हमेशा रहेगा ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर तो जो सिविल एंड क्रिमिनल की जो हैरारकी है इसके अंदर स्टेट जुडिशरी के अंदर जो उनके जुरिस्डिक्शन और टेरिटोरियल एंड मोनिटरी पे डिपेंड करता है कि इससे इससे होगा उसके अंदर जो क्रिमिनल साइड होता है क्रिमिनल साइड के अंदर हमारा आता है मजिस्ट्रेट कोर्ट तो मजिस्ट्रेट कोर्ट अगर कहीं है तो वो क्रिमिनल साइड में है उसके बाद मजिस्ट्रेट्स के ऊपर आते हैं सेशंस कोर्ट सेशन कोर्ट एंड मजिस्ट्रेट ठीक है सेशन कोर्ट बड़ा हो गया मजिस्ट्रेट हो गया लोअर लेवल पे उसके बाद अगर हम कहते हैं सिविल साइड है ना सिविल साइड में क्या होता है सिविल प्रोसीजर कोड होते हैं इस पर आ गए मुंसिफ कोर्ट्स सिविल साइड पे उसके बाद सब डिविजनल कोर्ट आते हैं फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गए और ये एक हरारकी है ये हरारकी का फ्लो चार्ट मैं आपको अच्छे से बना के नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा विद ट्रिक्स जिससे हमको वो सारी चीज़ें याद रहेंगी है ना उसके बाद फिर अगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव आ गए ट्रिब्यूनल्स uh, बनते हैं नए नए मोटर व्हीकल कंपनसेशन ट्रिब्यूनल डिफरेंट जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी हैरारकी अलग है इस पे... नेक्स्ट हो गया द पर्सनल ऑफ़ द लॉ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रिक्वायर्ड द कोऑपरेशन not only of the parties and the judges but also the officers of the court who include the advocates the court staff and the para legal personnel who assists the lawyers and judges iska kya matlab hua the personnel of law what do you mean by personnel of law Justice को देने के लिए हमें कुछ ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कहते हैं कॉपरेशन चाहिए हमें कई सारी पार्टीज़ का कई सारे लोगों का ऑफिसर्स का उनको कहते हैं पर्सनल ऑफ़ लॉ जिसके अंदर आते हैं एडवोकेट्स है, है ना कोर्ट के स्टाफ हो गए पैरा लीगल पर्सनल्स हो गए जो हमारे दिव्यांग्स होते हैं उनकी हेल्प करने वाले है ना असिस्ट और वो भी हो गए जो लॉयर को असिस्ट करते हैं और जजेस को असिस्ट करते हैं पूरा कोर्ट का स्टाफ वो सब आ गए पर्सनल ऑफ लॉ के अंदर इसके अंदर एक नया हेडलाइंस है जजेस डू यू मीन बाय जजेस

लॉ विदउट फीयर और फेवर एंड दे केन नॉट बी इंटरफेयर विद बाय एनी वन इंक्लूडिंग द टॉप फंक्शनरीज ऑफ द गवर्नमेंट दे हैव द पावर टू पनिश दोज हु कमिट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिसोबे देअर लेजिटिमेट ऑर्डर सिंपल सी बात है तो

जो जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उनको रिमूव करने के लिए स्पेशल वोटिंग राइट्स चाहिए होता है जिसको राज्यसभा में पास करवाना पड़ेगा फिर लोकसभा में पास कराना पड़ेगा स्पेशल वोट चाहिए होता है इतना आसान नहीं होता है उसके बाद कमेटी होती है उसके बाद रिमूव होता है और इंडिया की हिस्ट्री के अंदर आज तक तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव नहीं हुआ है पार्लियामेंट के थ्रू है ना तो ये एक हिस्ट्री का भी हो गया उसके बाद आता है लॉयर्स एंड द बार लॉयर्स आर द की फंक्शनरीज असिस्टिंग द जजिज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस दे आर ऑफिसर्स ऑफ द कोट एंड आर कॉन्स्टिट्यूटेड इन टू द इंडिपेंडेंट प्रोफेशन अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द एडवोकेट्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन तो ये जो एक्ट है ये हमेशा टिप्स पर होना चाहिए द एडवोकेट्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन क्या बताता है ये लॉयर्स जो है की फंक्शनरीज हैं जजेस के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए तो ये किसके अंदर है ये एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशंस है अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कौन सा एक्ट बताता है लॉयर्स के बारे में द एडवोकेट्स एक्ट 1961 ये प्रॉपर डेट के साथ याद होना चाहिए द एडवोकेट्स एक्ट 1961 नो अदर्स मे प्रैक्टिस बिफोर द कोर्ट विदाउट द एक्सपर्ट असिस्टेंस ऑफ लॉयर्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ डिस्प्यूट जजेस विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड द ट्रूथ ऑन द डिस्प्यूटेड फैक्ट्स इन इशूज

The bar council at a state level and the central level consists of elected members of the profession who undertake the responsibility of not only admitting new entrants but also improving the quality of legal services, particularly through the exercise of disciplinary powers over erring members of the profession. Legal services to the poor is one of the social obligation of every lawyer required under the bar council rules of professional conduct. तो बार काउंसिल बन गई है एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कौन से एक्ट की तरह द एडवोकेट्स एक्ट 1961 सिक्सटी वन दैट्स वाई दिस एक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट और ये टिप्स पे होना चाहिए बार काउंसिल कब बनी कौन सा एक्ट उसको रिप्रेजेंट करता है द एडवोकेसी एक्ट नाइनटीन सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर जो पेज नंबर सेवन तक हमारा कंप्लीट हुआ इसमें हमने कई सारे टर्मोलॉजी सीखी हैं जस्ट लाइक प्लेंटिव प्लीडिंग प्लेंट एंड उसके डिफेंडेंट हो गया इंडिजेंट हो गया जिसको कहते हैं अभाव हो किसी चीज़ का वो कहते हैं इंडिजेंट इंडिजेंट किसके अंदर आता है क्रिमिनल के अंदर सिविल के अंदर क्या आता है पॉपर जिसको कहते हैं पुअर उसको वर्ड यूज़ करते हैं वो फाइल करता है कि आई एम अ पॉपर है ना तो दिस टाइप ऑफ लीगल वर्ड्स हमने इसके अंदर पढ़े दैट्स वाई इट टेक सम टाइम टू कवर दिस सेवन पेजेस नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई टू कवर फिफ्टीन टू ट्वेंटी पेजेस इन थर्टी मिनट सो दैट वी विल कवर ऑलमोस्ट थर्टी पेजेस इन वन एंड हाफ आर अगर सीरीज़ हम देखेंगे तीन लेक्चर के अंदर हम थर्टी पेजेस कवर कर रहे हैं दो घंटे के अंदर ऑलमोस्ट फोर्टी पेजेस हम कवर करेंगे और ढाई सौ पेजेस हैं जनरली टेन टू फोर्टीन आवर्स के अंदर हम कवर अप पूरा कर लेंगे और सफिशेंट टाइम रहेगा हमारे पास जस्ट वी हैव टू लिसन इट अगेन एंड अगेन इट विल डेवलप अवर अंडरस्टैंडिंग इन द लीगल फील्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा काफ़ी वर्ड्स नए पता चले होंगे इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स और इट्स अ ओपन प्लेटफॉर्म प्लीज़ पार्टिसिपेट एंड लाइक करें सब्सक्राइब करें जिससे एक मॉरल बूस्ट होगा मेरा एंड आई ट्राई टू कवर अप ऑल दिस लेक्चर्स ऑफ जोर स्टूडेंट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस आई ट्राई टू पोस्ट नेक्स्ट वीडियोज़ इन सबसिक्वेंट्स डे जस्ट लाइक नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे एक एक दिन के अंदर ही मैं कई सारी वीडियोज़ अपलोड कर दूँ जनरली हम uh, मतलब फिफ्टी परसेंट कवर कर लें केस मैट का फिफ्टीन ऑफ सप्टेम्बर या ट्वेंटी टू सेप्टेम्बर जब तक इलेक्शंस होंगे यहाँ के तब तक हम ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स ख़त्म करके हम दूसरे वन जीरो टू की तरफ प्रोसीड कर लेंगे एंड इट विल हेल्प अस ऑल ऑफ अस ओके तो नेक्स्ट जो थर्ड लेक्चर होगा उसके अंदर मैं यहाँ से शुरू करेंगे मेजर लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड टुडे है ना जिनके बारे में आए ये रेनी डेविड एंड जॉन ई सी बेरली इनके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट है रैनी डेविड एंड जॉन ई सी बेरली के बारे में जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप हरारकी जो होती है स्ट, आ, स्टेट जुडिशरी के अंदर उसको आप इजिली रिमेंबर कर सकते हैं ओके थैंक यू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब करेंगे लाइक like करेंगे कमेंट करेंगे जिससे मेरा मोरल बूस्ट होगा और काफ़ी अच्छे से ये सारी चीज़ें भी कम्प्लीट होती रहेंगी सो थैंक यू